हल्दी का पौधा इस तरह का होता है, ये हल्दी के पत्ते, और इसके नीचे हल्दी निकलेगी, फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर पीस के जी दोस्तों, तो इस तरह की कुछ मॉर्निंग होती है गांव में। सुबह उठ जाते हैं जल्दी, सूरज उगने से पहले, मतलब ऐसी वाली मॉर्निंग। और मेरी दादी यार चाय लेके आ गई मुझे उठाने के लिए। तो ऐसे सुबह सुबह वाली मॉर्निंग होती है, बहुत प्यारी मॉर्निंग होती है गाँव में। मिलता हूँ थोड़ा फ्रेश होके, तब करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। चलो हाँ जी गाइस, हो चुकी है हमारी सुबह और मैं फ्रेश होके आ गया हूँ। तो हम उठ गए थे सूरज की किरण से पहले, मतलब ये बहुत कम होता है मेरे साथ, वरना मैं तो लेट लतीफ वाला बंदा हो गया, आराम से उठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं बहुत जल्दी उठ गया, और यहाँ पे मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है ऐसे बाकी लोगों की, मेरी तो फिर भी थोड़ी लेट ही होती है, पर बाकी लोगों की बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। तो सुबह में यही होता है, अभी सुबह उठे हाथ धोया, दादी लेके आ गई थी चाय बेड पे ही। ये चीज़ बाद में मिस करते हैं जब आप कभी बाहर निकलते हो गाँव से, तो ये चीज़ आ जाती है जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सुबह हुई, अब हम जा रहे हैं पूजा करने, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना होता है गाँव में, तो थोड़ी सी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद आगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलो तो गाइस, यही होता है सुबह का रूटीन। अभी हम आए, दूध लेके आ गए हम, फिर आप जा रहे हैं घर यहाँ से। फिर यहाँ से घर जाने के बाद फिर देखते आगे का क्या काम होता है। मेरे घर में थोड़ा बहुत काम तो होता ही वही करने को, और दूसरा दूध लेने को। अब जाके चाय बनाएंगे। आज ऐसा है कि आज हमारा फास्ट है, मेरा भी और दादी का भी, तो खाना तो बनेगा नहीं क्योंकि मैं आज दादी हूँ अभी यहाँ पे, तो रात को ही खाना बनेगा। बाकी लंच करेंगे, आई थिंक लंच में पुलाव वगैरह जो भी बनाते हो बनेगा। बाकी बैक कैमरे से अभी आपको दिखाता हूँ अपना गाँव, तो देखना गाइस, और कुछ ही सुंदर, मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारी जगह रहते हैं हम। और गाइज ये है अपना गांव, और वो एंड में जो आपको घर दिख रहा है, एंड वाला घर अपना है, वो सबसे एंड में हमारा घर है। और गाइज अभी जा रहे हैं हम घर में कुछ काम करने हैं। और गांव में एक चीज़ और ना जो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, वो है हर एक चीज़ फ्रेश खाने को मिलती है। ठीक है, ये देखिए पीछे ये जो लगाया हुआ, ये मिर्च, मिर्ची का पौधा, मिर्च कुछ इस तरह से लगती है इन पौधों में। यहाँ पे मिर्च, मिर्च का पौधा है। तो ये चीज़ें है गांव में, गांव में प्योरिटी मिलती है हर चीज़ पे, प्योर चीज़ें खाने को मिलती है। और एक टमाटर होते हैं जो एक होता है ना, वो नीचे जो आप हर एक बंदा खाता है, हर एक के पास होता है एक टमाटर होता है, ये पेड़ में लगता है टमाटर। तो ऐसी चीज़ें गाँव में मिल जाती है प्योर चीज़ें खाने को, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये चीज़ें। तो अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए अपनी गाँव में, इसको पता नहीं जो यहाँ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दाल, दाल आई थी है ना, इसमें मतलब इसमें सामान लाया जाता है कुछ भी बाहर से लाना, मतलब जैसे हम खेतों में जा रहे हैं अभी, जिस खेतों में जा रहे हैं, तो हम फिर इसमें सारा सामान लाएंगे खेत से। और एक मिनट मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये है मक्की, मक्की लगती है इन पौधों पर। हाँ अभी तो पक चुके हैं, मक्की निकाल दी हमने, और मक्की जब निकाल दी जाती है तो उसके बाद हाँ इसको भी काटा जाता है, ये जो जिसमें मक्की लगती है। तो अभी फ़िलहाल हमने ऐसे रखे, जब कभी कोई गाय वगैरह आएगी तो उसको काट के दे देंगे। बाकी ये पीछे लकड़ी रखी, ये जैसे आपको पता पहाड़ों में, पता क्या होता है पहाड़ों में, अभी बस ठंड आनी स्टार्ट हो चुकी है, अब ठंड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और बर्फ बर्फ पड़ने तक ठंड बढ़ती बढ़ती, मतलब फिर आगे अगले नेक्स्ट ईयर पर थोड़ी कम होने स्टार्ट होगी ठंड, तो बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे, तो फिर लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखनी पड़ती है, और लकड़ियाँ इकट्ठी करके हम आग वगैरह जलाने के काम आती है। तो हम काफ़ी टाइम पहले ही लकड़ियाँ काट के इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये सब होता गाँव में, और हम जा रहे हैं अपने खेत में इस चीज़ को लेके। है बड़ी प्यारी चीज़, मतलब नहीं अपने हाथों से बनाते हैं लोग, जो यहाँ पे जो भी बनाते हैं वो अपने हाथों से बड़ा सुंदर बनाते हैं, और बहुत पक्की चीज़ होती है यार, ये टूटती नहीं यार कैसे। ठीक, हल्दी का पौधा इस तरह का होता है, ये हल्दी के पत्ते, और इसके नीचे हल्दी निकलेगी, फिर उसको सुखाया जाएगा, फिर पीस के जो हल्दी आपको मिलती है वो बनाई जाएगी। और ये अपना खेत है, अभी हम फिलहाल यहाँ आ रहे हैं, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में बोल लो तो बालड़ी या चुगने, बाकी ऐसे राजमा होती है। और ये मेरी दादी, दादी मेरे कर रहे काम, लग रहा है कि कोई बताओ, लग रही मेरी दादी नहीं ना, मम्मी जैसी लग रही है ना,
मेरी दादी जवान है, पता मेरी दादी बहुत जवान है। तो ये मतलब पूरे जो एरिया है ये पीछे, यहाँ पे कांटे यार, मतलब वो बहुत गंदे से कांटे, इनके वाले कांटे ये बड़े गंदे तरीके से चुभते हैं यार, तो ये फंस जाते हैं ना कपड़ों में। तो ये वाले इनके बीच है अपनी राजमा, तो उसको निकाल के फिर चलेंगे हम घर को, और इसको फुल करके जाएंगे, इसको हम फुल करके जाएंगे अभी, इसको देखना अभी। तो गाइस ये सब होता है गांव में, और ये रहा खेत, और जहाँ भी हम ये क्या होते हैं इसको, ये जो अपनी राजमा बताइए आपको, बालड़िया पहाड़ी बंदे समझ रहे हैं, जो पहाड़ी बंदे जुड़े हुए मेरे साथ, बालड़िया जुड़े आई रहा से ये हमारी लैंग्वेज है पहाड़ी, कोई कोई समझेगा, जो समझ गया हो ठीक है, जो नहीं समझा उसको मैं बता देता हूँ हिंदी में कि हम राजमा को उठाने आए यहाँ से खेत से। तो ये अपना खेत है, चुगते हैं, थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, फिर चलते घर, फिर मिलूंगा, फिर बताता हूँ आगे का रूटीन क्या है, डेली रूटीन। बाकी व्यू ओए होए होए, यहाँ से व्यू दिखाऊं, दिखाई लूं, चल देखो। कुछ इस तरीके का काम होता है घर पे, ये देखो चुप के लिया है सारा, सीखते अब इनको रखते हैं कहीं भारी काफी। तो गाइस ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं विलेज में, मतलब लाइफ ऐसी कुछ होती है, थोड़ी आराम से होती है, सुस्त सी लाइफ होती है, यहाँ काम करो आओ फिर बैठो, इतनी फास्ट लाइफ नहीं होती गांव की थोड़ी आराम वाली लाइफ होती है। अभी हम लंच करके आए, जैसे व्रत था तो हमने पुलाव वगैरह बनाया था, आलू वगैरह बनाए थे, तो आलू वगैरह खा के तो अभी आए हैं, और जो हम खेत से चुप के लाए थे वो बलड़िया जो राजमा, ये अब इनको जब छिलते उसके बाद ऐसे कुछ अंदर से दाने निकलते हैं, और इस चीज़ को आप लोग खाते होने, ये रेड कलर की भी होती है और ये वाइट कलर की भी होती है, दोनों ही स्वादिष्ट होती है, और जब फ्रेश फ्रेश खाते ना मज़ा ही कुछ और होता है, जो मतलब खेतों से निकाल के डायरेक्ट खाते हैं वही होते, मतलब बिल्कुल प्योर चीज़ खाने का मज़ा ही कुछ है। और मेरा ये मेरी दादी इसको ख़त्म करने के बाद थोड़े सो जाएंगे, मतलब यहाँ पे गांव में ये चीज़ होती है कि दिन में सोते हैं यार, मतलब दिन में एक दो घंटे तो सोते हैं, जैसे लंच करने के बाद फिर सो जाएंगे आराम से, फिर 3 बजे उठेंगे जब तक शाम हो जाएगी, फिर जाएंगे फिर काम करने। बट यहाँ जो गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं यार, बहुत ज़्यादा मेहनती। देखते देखते शाम हो जाती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी है, एक तो पॉल्यूशन फ्री वेदर है यहाँ का, और दूसरा पीसफुल जगह है। अगर आप दिन में बिल्कुल शांति से लेट जाओ ना, कुछ नहीं सुनाई देता है, बिल्कुल शांति, ये चीज़ मतलब बाहर शहरों में नहीं मिलती, तब मुझे गांव ज़्यादा पसंद है, और ऐसी जगह आना बहुत पसंद है जहाँ एकदम एकांत में शांत जगह है। पर कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा जो मेरे साथ एक्सपीरियंस किया मैंने आज, कि एक अपने गांव में एक है दादी, उनके घर में पानी आ रहा था, तो पानी ओवरफ्लो हो गया, मैं गया उनके पास, मैंने कहा दादी मैं कहा पानी ओवरफ्लो हो गया तो आप पानी वाले को बोल दो कि पानी बंद कर दे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये उनकी ड्यूटी है कि पानी बंद करना और खोलना, जब पानी हमारे पास नहीं आता तो हम पानी वाले को फ़ोन करते हैं कि पानी छोड़ दो, पानी नहीं आया आज। पर ये भी हमारी ही ड्यूटी बनती है मेरे हिसाब से, कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर हमारे पास पानी अधिक आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, ओवर हो गया वाटर, तो फ़ोन करें पानी वाले को कि पानी बंद कर दो, क्योंकि मतलब अपने आप को पहले देखो, पानी को रोको, अगर बह रहा है तो उसे एक्स्ट्रा बहने से रोको, सेव वाटर यार, तभी अगर अगर कई जगह पता क्या है, हम लोग अगर हमारे यहाँ पे अच्छे से पानी आ रहा है तो कई जगह नहीं आ रहा है, समझ, और हमारे पास आ रहा है तो हम ओवर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहना है कि मेरा कि आप अगर कुछ चीज़ आ रही है ना तो उसको एक्सेस यूज़ ना करो, लिमिट के यूज़ करो, ताकि और जो कहीं जहाँ पानी नहीं आ रहा उन तक भी पानी पहुँच सके। ये था, बाकी शाम मज़ेदार है, मौसम मज़ेदार है, और ये चाय और भी मज़ेदार है, खुद नहीं बन बस बहुत स्वाद है। और गाइस ये वो जगह जहाँ बैठ के मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, यहाँ बैठ के, और पीछे व्यू, ओए हो ऐसा व्यू देखने को मिले,
मैं बैक कैमरा से बताता हूँ इसलिए यहाँ क्यों सिग्नल आता और मेरी सीट मेरी परमानेंट सीट यहाँ बैठ के मैं अपलोड करता हूँ। अगर मैं गाँव आया हूँ तो यहाँ बैठ के मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ और यही नेट होता है बोल। तो अभी आया हुआ है मिर्जापुर 2 का सीजन आया, वाह उसको डाउनलोड कर आया बहुत मिर्जापुर क्या यार क्या तो वेब सीरीज। तो गाइस देखते ही देखते शाम हो गई और मौसम देखिए मुझे सूरज छप चुका है और बहुत प्यारी शाम थी आज की भी और मिर्जापुर का सीजन 2 भी डाउनलोड हो गया। अब उसको देखते हैं शाम को। यहाँ पे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ बैठ के अब डाउनलोड किए अब रूम जाके देखेंगे वरना यार एक जगह नेट नहीं चलता यार पहाड़ों में ये दिक्कत बड़ी है कि नेट नहीं चलता बाकी व्यू बहुत सुंदर था दिल मोह लेती है। रात हो जाती है और फिर यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है पहाड़ों में अक्सर तो रात में ये प्रोग्राम होता है आग के पास बैठो गर्म गर्म आग सेको और मजे करो ठंड होगी पहाड़ों में बाबा बर्फ पड़ने वाली का कुछ टाइम बाद उसका ब्लॉग ऑब्वियसली आएगा। मैं वहाँ एंड कर रहा हूँ यहीं पर वीडियो बाकी पता है कि इसका आउटरूट बताता हूँ। चलो वेट यहाँ तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करना बनता है शेयर करना बनता है सब्सक्राइब करना बनता है व्लॉगर अच्छे चैनल को। अब इतना देख लिया तो इतना तो कर ही सकते हैं मतलब लाइक तो कर ही सकते हो अब इतनी वीडियो देख ली तो इतना तो फिर लैंड में करके जा सकते हो प्लीज इतना तो बनता है मतलब सब्सक्राइब कर दो क्या है लाल सा बटन होना दबा दो ठोको उसको सब्सक्राइब हो जाएगा फिर नई वीडियो में डालूंगा वो आपको मिल जाएगी देखने को। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर यहाँ पे शो हो रहा है जाओ मुझे फॉलो करो सारी जगह मैं व्लॉगर रजिस्टर करके ही हूँ तो वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा फॉलो कर दो डेली लाइफ मेरे रूटीन्स जानने क्या क्या कर रहा हूँ मैं और यहाँ घर आया हूँ तो घर क्या क्या कर रहा हूँ मैं जानना है ना फॉलो करो फिर इंस्टाग्राम पे। तो मिलूंगा फिर नई वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो और लाऊंगा अच्छा चलाता हूँ मैं तो लाता रहूँगा सब्सक्राइब आपका करना आपका काम है सब्सक्राइब कर दो मेरे को 500 जल्दी से क्रॉस करने तो 500 करा दो यार करा दो मतलब प्लीज करा दो तो 500 करा दो बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ जय हिंद।